अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुवैत के अंदर कुछ ऐसे 12 प्रवासी को पकड़ा गया है जो कि गलत कामों में यानी कि शामिल था। इसके अंदर कई वॉमेन है, उनके अलावा कई ऐसे प्रवासी है जो कि अलग अलग एरिया से गिरफ्तार किया गया है। कुवैत पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये लोग कुवैत के अंदर रूम लेकर के भाड़े पे यानी कि गलत कामों को अंजाम देते थे, जिनके बाद कुवैत का मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक बड़ा अपडेट यानी कि बड़ा कार्रवाई किया गया है। उनके अलावा दोस्तों यहीं पे बता दें कि कुवैत के अंदर एक फर्जी पुलिस वाले को भी पकड़ा गया है। कुवैत अहमदी एरिया के अंदर बताया गया है कि ये फर्जी पुलिस वाले यानी कि लोगों को ठगने का काम करता था, उनसे पैसे वसूलने का काम करता था। कई कंप्लेन होने के बाद इन्हें भी कुवैत पुलिस द्वारा यानी कि पकड़ लिया गया है। पकड़े गए 12 प्रवासी के अंदर बताया गया है कि अलग अलग नेशनलिटी का है। इसके अंदर इंडिया यानी कि आंध्र का भी है, उनके अलावा फिलीपींस है। तो ये अलग अलग कंट्री का ऐसे औरत पकड़ा गया है जो कि कुवैत के अंदर गलत कामों को अंजाम देता था। उनके बाद दोस्तों बता दें कि कुवैत के अंदर जो पुलिस का कैंपेन है वो लगातार जारी है। कुवैत के अंदर जली, फरमानिया, खेतान, इस सभी एरिया के अंदर कैंपेन चलाने के बाद 43 यानी कि प्रवासी को फिर से पकड़ लिया गया है। बता दें कि कुवैत के अंदर जो भी यानी कि कैंपेन चलाया गया है वो अभी तक यानी कि कंटिन्यू है। ज्यादातर इसके अंदर जो पकड़े गए प्रवासी है, बताया गया इसमें से कम 20 ऐसे प्रवासी है जिनका, और इसमें से कुछ ऐसे प्रवासी हैं जो कि किसी और कॉमन में वायलेशन यानी कि क्रिमिनल के तहत पकड़ा गया है। दोस्तों कुवैत से सभी अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।